Good morning students, this is our maths class and in this class we will continue our exercise number 1.5. हमने previous class में 1.5 का explanation देख लिया था ना, हमने पहले सीखा था कि rounding off to the nearest tens कैसे होता है, nearest 100 कैसे होता है और nearest 1000 कैसे होता है. अब हम उससे related ही exercise अपनी start करेंगे. Okay, so हमारा first question क्या है? Round off the following numbers to the nearest tens. हमें क्या करना है, टू द नियरेस्ट टेंस करना है. तो टेंस करने के लिए हम क्या चेक करते हैं, वंस प्लेस नंबर की. तो हम पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं, तो इसमें वंस प्लेस क्या है, सिक्स. तो हम वंस प्लेस को कंपेयर करेंगे कि सिक्स हमारा ग्रेटर देन फाइव है या फिर लेस देन फाइव है या इक्वल टू फाइव है. तो हमारा क्या है, सिक्स इज ग्रेटर देन फाइव. तो ग्रेटर देन फाइव है मतलब अपवर्ड हो जाएगा, अपवर्ड राउंड ऑफ होगा. तो अपवर्ड राउंड ऑफ में कौन कौन से हमारा नंबर होते हैं, 36 का अपवर्ड क्या हो जाएगा 40 और डाउनवर्ड क्या हो जाएगा 30. तो हमारा अपवर्ड राउंड ऑफ करके क्या आएगा आंसर में, 40. ओके, अब नेक्स्ट पार्ट मतलब सी पार्ट. सी इज 51. वंस प्लीज चेक करी, वन इज लेस देन फाइव मतलब हमारा डाउनवर्ड हो जाएगा. तो 51 का क्या क्या हुआ, 50 एंड 60. तो डाउनवर्ड में क्या आ जाएगा हमारा, 50. नाउ ई पार्ट. ई पार्ट क्या है, 1475. नंबर चाहे हमारा कितना ही बड़ा हो पर अगर हमें नियरेस्ट टू टेंस करना है तो हमेशा हम वंस को कंपेयर करें. नाउ फाइव इज इक्वल टू फाइव मतलब अपवर्ड हो जाएगा, अपवर्ड राउंड ऑफ. तो इसका अपवर्ड क्या हो जाएगा, 1480. जो हमारी वंस प्लेस होती है उस पर जीरो आ जाता है और टेंस प्लेस पे प्लस वन हो जाता है. और अगर डाउनवर्ड करते हैं तो 14 वंस प्लेस पे हमारा जीरो हो जाता है और टेंस प्लेस हमारी सेम रहती है. ओके, नाउ नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट इज जी पार्ट, 3787. इसमें हम वंस प्लेस को चेक करेंगे, वंस प्लेस इज सेवन विच इज ग्रेटर देन फाइव. इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारा, अपवर्ड. और इसके नंबर्स क्या क्या हैं, 3 7, वंस प्लेस पे जीरो और टेंस प्लेस पे प्लस वन. और डाउनवर्ड अगर करते तो क्या आ जाएगा, 3780 वंस प्लेस पे जीरो आ जाता बस. तो इसमें अपवर्ड कर रहे हैं तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3790. ओके, अब इस फर्स्ट क्वेश्चन के जो बचे हुए पार्ट्स हैं वो आप अपने आप कंप्लीट करेंगे. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर टू. राउंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स टू द नियरेस्ट 100. अब हमें क्या करना है, नियरेस्ट 100 में राउंड ऑफ करना है. तो हम पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं, 321 को राउंड ऑफ करते हैं. ओके, सी क्वेश्चन नंबर टू, ए पार्ट 321. अब देखिए, जब हमें नियरेस्ट 100 करना था तो हम क्या करते हैं, हम वंस और टेंस प्लेस दोनों को साथ में कंपेयर करते हैं, किससे, 50 से. अब बताओ, 21 इज ग्रेटर देन 50 और लेस देन 50. 21 हमारा क्या है, लेस देन 50 है, तो मतलब हमारा डाउनवर्ड हो जाएगा. और इसमें हम क्या करते हैं, टेंस और वंस दोनों प्लेस पे हमारा जीरो हो जाता है. और अगर अपवर्ड करना है तो 100 प्लेस पे प्लस वन होता है और नहीं तो सेम रहता है. तो इसमें डाउनवर्ड कर रहे हैं तो डाउनवर्ड में क्या आ जाएगा हमारा, 300. ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट, सी पार्ट. सी इज 1742. अब हमें 42 को कंपेयर करना है, तो 42 इज लेस देन 50. इसका मतलब हमारा डाउनवर्ड राउंड ऑफ हो जाएगा. तो इसके हमारे डाउनवर्ड पे क्या आ जाएगा, डाउनवर्ड पे क्या होगा, वन सो टेंथ प्लेस पे जीरो और 100 प्लेस पे कोई चेंजेस नहीं आएंगे. अगर अपवर्ड होता है तो क्या हो जाता है हमारा, 1 10 प्लेस पे जीरो और 100 प्लेस पे प्लस वन. ओके, तो
तुम्हारा 1700 हो गया आंसर। अब इसका ई पार्ट क्या है, 7550, 7550। अब देखो 50 इज इक्वल टू 50 से कंपेयर करते हैं तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, अपवर्ड। तो जब अपवर्ड करेंगे तो क्या आएगा, वंस और टेंस प्लेस पे 0 और 100 प्लेस पे +1, तो 5 + 1 कितना हो गया, 6, कितना आ गया हमारा 7600। ओके नेक्स्ट इज 5390 जी पार्ट, 5390। इसमें क्या कंपेयर करेंगे हम, 90 इज ग्रेटर देन 50, तो इसका हमारा क्या हो गया, अपवर्ड। अपवर्ड करने में क्या आएगा, वंस और टेंस प्लेस पे 0 और 100 प्लेस पे +1, 3 + 1 4 और 5, तो कितना हो गया हमारा आंसर, 5400। तो अब इस क्वेश्चन नंबर 2 के बाकी बचे हुए पार्ट्स आप अपने आप कंप्लीट करेंगे। ओके दोनों क्वेश्चन के बचे हुए पार्ट्स अपने आप कंप्लीट करेंगे और जो मैंने अभी कॉपी में करवाए हैं ये सारे भी आप अपने रजिस्टर्स में कंप्लीट करेंगे। ओके क्वेश्चन नंबर 3 अब हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ओके थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।